बसमरिम आलोद्ल रबी व्ल महूम त्रीन वन अजमिन इलायाम योम दीन दो दिन पहले पाकिस्तान के एक टी वी पर डिस्कशन हुआ कि ख़लीफ़ दो के क़ात अबूलूलफरोज़ की कब्र ईरान में है तो पहले हम एक तफसील से डिस्कशन कर चुके हैं कि खलीफ़ दो की शहादत कब हुई या कत्ल कब हुआ और किस तारीख़ को हुआ और वजह क्या थी तो वजह जो है वो इस्लाम और कुफ्र का मौजू नहीं था वो अपनी शिकायत लेके आया था अपने मालिक की जानब से गो कि उसी मालिक ने भेजा था फिरोज को मदीने में अब क्योंकि वो रोज़ाना कुछ ना कुछ मांगते थे मौसू तो वो इनके दिल ये देना मुश्किल था लिहाजा जब जनाब उमर ने भी उसी मालदार शख्स की तइद की अपने दोस्त की तइद की तो यहाँ से रंजिश का सिलसिला शुरू हुआ बस मामला इस्लाम या कुफ्र का नहीं था अब हम ये देखते हैं कि जब इन्हें मदीने में मार दिया गया तो क्या उस ज़माने में ले जा कर ईरान में दफन किया हाँ ईरान में जो कब्र है काशान में वो किसी एक शख्स की है किसी दरवेश की है कि जिनका नाम शुजाउद्दीन था और या फिर नाम अबूलोलू था तो एक नाम के दो अफराद होने के ये माना नहीं है कि वो कब्र अबूलोलु फिरोज़ यानी कतिल खलीफ़ दोवम की है क्योंकि ख़लीफ़ दो के कतिल को मदीने में कत्ल कर दिया था या ये कि उन्होंने पकड़े जाने के बाद ख़ुदकुशी कर ली थी अब यहाँ पर आपके सामने है किताब अल अलफ़ारूक शिबली नुमानी साहब की सफ़ा नंबर है 166 और यहाँ पर यह मौजू सबसे पहला है कि छब्बीस जिल्हिज तेईस हिजरी को खलीफे दोवम की शहादत हुई और अगर शिकायत और उसके बाद रोजाना दो देर हम ये ग्रीन से हमने खसूस हाईलाइट कर दिए हैं कि यहाँ पर मौजूद डिस्कस किया है कि वो शिकायत लेके आया और कहा कि मग़ै बिन शोबा जो है मुझसे दो दिर डेली लेता है और ये मेरे लिए मुश्किल है और जनाब उमर ने कहा कि तुम क्या काम करते हो तो उसने कहा मैं नक्काश हूँ यानी रंग का काम करता हूँ दीवारों वगैरह पर और इसी तरह से बढ़ाई हूँ और लोहार हूँ तो उन्होंने कहा कि ये तो कोई भी बात ऐसी नहीं है तुम ये दे सकते हो बाजह का बयान हुआ कि डेली चार दिन लिए जाते थे और बाद का बयान हुआ कि सौ दिन लिए जाते थे लेकिन नीरे से हमने हाईलाइट कर दिया है के जब उसने हमला किया खलीफे दो पर तो लोगों ने पकड़ा और जब लोगों ने पकड़ा तो उसी दौरान इसने खुदकुशी कर ली अब आपके सामने है तारीख़ुलखलफा तारीख़ुलखलफा का पेज नंबर है तीन सौ पाँच और यहाँ पर भी यही वाला मौजू है हज़रत मगैरा बिन शोबा ने कोफे में इस पर सौ दरहम का खराज यानी टैक्स आयद किया था यहाँ मदीने आकर इसने हज़रत उमर रजी अल्लाह रज्लू से हज़रत मगैरा की शिकायत की कि उन्होंने मुझ पर बहुत बड़ा टैक्स लगा दिया है आपने फरमाया टैक्स ज्यादा नहीं है ये टैक्स का जो मामला था ये रंजिश का सबब बना था फिर हम बताएं कि कोई भी इस्लाम या कुफर का मौजू नहीं था अब यह कितनी उम्र थी इस लड़के की तो यहां पर वाजह होता है के जहरी कहते हैं कि हज़रत उमर रजी अल्लाह तहों का तरीक़ाकार ये था कि वो किसी नाबालिग लड़के को मदीना मनवरा में बाहर से दाखिल नहीं होने देते थे एक बार हाकिम कोफ़ा हजरत मग़र बिन शबा ने कोफे में कोफे से आपको ख़त लिखा कि यहाँ एक बहुत ही होशियार और कारीगर लड़का मौजूद है इसको बहुत से हुनर आते हैं लोहार और बढ़ई का काम खूब जानता है इसी अच्छी तरह जानता है नक्काशी बहुत उमदा करता है अगर आप इसको मदीना में दाखिले की इजाज़त दे दें तो मैं इसको वहाँ से रवाना कर दूँ ताकि वहाँ पहुँच कर अहल मदी के काम आ सके आपने इसको मदीना में दाखिले की इजाज़त दे दी और लिख दिया कि यहाँ भेज दिया जाए तो यहाँ से पता चला कि अव्वल तो ये था मुसलमान अब ये कि अंदर से मुसलमान था या नहीं था तो ये बात तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी बहुत सारे मुनाफ़ थे हत्ता सूरह बरात में बहुत वाज बयान हुआ व मुमनकुमिन आरब मुनाफिकून के मेरे हबी तुम्हारे इर्द गिर्द जो अरब के बद्दू हैं ये मुनाफिक हैं वामेन अहिलमदी तमारत वालनफाक़ और अहिल मदीना में ऐसे लोग हैं जो नफाक में बहुत शदीद हैं तो यहाँ पर यह बात वाज है कि मुसलमानों के अलावा कोई मदीना में नहीं आ सकता था तो बज़ाहिर तो ये शख्स मुसलमान था अब अगर यहाँ पर शक करना हो तो देखा जाएगा कि एक आदमी को क्यों भेजा मग़ैरा बिन शोबा ने तो यह भी सोचा जा सकता है कि मुमकिन है कि मग़ैर बिन शोबा का इसमें दखल हो अब आपके सामने हैं अगला सफ़ा यानी तीन सौ छः और तीन सौ छः पर यहाँ पर फिर यही वाला मौजू है कि एक इराकी ने आप पर कपड़ा एक इराकी ने इस पर कपड़ा डाल दिया ताकि वो उलझ जाए और इसको पकड़ लिया जाए जब अब लोग -लो इस कपड़े में उलझ गया तो इसने इसी वक्त खुदकुशी कर ली अब यहाँ पर ग्रीन से हमने हाईलाइट किया है कि रोज़ाना चार दिरहम जो है वो मुगैरा इससे लेते थे और यही चीज़ रंजिश का सबब बनी अब यहाँ पर गोके मौजू नहीं है और पेज नंबर 310 में उनकी शहादत की तारीख़ की छब्बी जलहज को जनाब उमर को शहीद किया गया था तारीख़ खलफा अब आपके सामने अरबी में है और यहाँ पर भी ये है वालका रजुन मिन अहल इराक़ सोबन कि अहल इराक़ में जिस शख्स ने उस पर कपड़ा डाला जब व उलझ गया तो क्या हुआ कतला नफसहू उसने अपने आप को कतल कर दिया अब उसके बाद यह है सुमा नाहौर नफसू बे खनजर ही फमा था कि अबू लुलु फिरोज़ ने खुदकुशी कर ली और वो मर गया अब आपके सामने किताब तबकात इब्ने सात की और जज़ नंबर है तीन और यहाँ पर यह मौजू है कि जब अबो लोलो अब ये जहन में रहे कि अबू लोलो ने जो हमला किया तो तारीख़ में बयान हुआ कि वो मदीने में था यही इस्लाम के लिए काफ़ी है अब अंदर से कुछ भी हो बाकायदा वो नमाज़ पढ़ता था और बच्ची भी जो है वो इस्लाम का ही दया करती थी और उसको मुसलमान ही समझा जाता था अब ये जब मस्जिद में आता जाता था अगर ये मुसलमान ना होता तो इसको आने ना दिया जाता तो जिस वक्त लम्मा तोहना उमर व हर अब अबूलोलो कि जब मारा जनाब उमर को खंजर से अबू लोलो ने तो फिर वो भागा वजा अला उमर वो और जनाब उमर जो हैं उस वक्त पुकार रहे थे कुत्ता कुत्ता कह के इसको इसी दौरान ये पकड़ा गया फ़ोनता बिलखनजर हीन उखज़ा और जब पकड़ा गया इसे तो उसके बाद उसने खुदकुशी कर ली अब आपके सामने है किताब अल अब्दुल अब्दुलरजाक़ जल नंबर है चार उर्दू तर्जुमा आपके सामने है यहाँ पर यह सहारा मौजू है कि हज़रतमर ने इस गुलाम पर रोज़ाना दो धरम की अदायगी लाजिम करार दी अब एक जानब जो है मुगैरा ले रहा था अब यह बजाय कम करने के हज़रत उमर ने उस पर दो देर हम लगा दिए अब यहाँ पर गुफ्तु हुई कि इसने कहा कि मैं ऐसी चक्की बनाऊँगा जिसकी बड़ी शोहरत होगी अब ये सारे आप चीज़ें पॉज करके पढ़ सकते हैं और फिर उन्होंने कहा कि ये मुझे कत्ल करना चाहता है और इसी दौरान जब कत्ल करके वो भागा इसने हजरत उमर को तीन ज़ख़म लगाए जिन में से एक ज़ख़म हज़रत उमर की नाफ़ के नीचे लगा और यही इनकी शहादत का सबब बना इस शख्स ने अहले मजलिस में से बारह आदमियों को भी ज़ख़्मी किया जिनमें से छः हजरात का इंतकाल हो गया और छः बज गए इसके बाद अपने खंजर के जरिए से खुदकुशी की और मर गया और फिर उसके बाद सफ़ा नंबर नाइन्टी टू में दोबारा ये चीज़ बयान हुई कि मोमर बयान करते हैं कि मैंने जोहरी के अलावा लोगों को ये बात करते हुए सुना है कि अहलराक से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स ने इस पर कंबल डाल दिया जिस डाल दिया जब वो इसमें अंदर छुप गया तो इसने खुदकुशी कर ली अब यहाँ पर दोबारा ये बात वाज करते हैं कि यह मुग़ैरा बिन शोबा का गुलाम था और उन्होंने ही इसको यहाँ पर भेजा था और फिर इसमें काफ़ी मौजूद हैं कि जो पॉज करके देखे जा सकते हैं अब यहाँ पर एक असल मौजू आता है कि जनाब उमर के एक फर्जंद थे जिन जिसका नाम था थाबैदुल्ला इबन उमर उबैदल इबन उमर का वाक़ यह है कि ये कत्ल करता है किसको एक जानब तो दो और ईरानियों को और साथ में शक करते हैं मौसू ये बाज़ महाजरीन पर तो यहाँ पर ये वाक़ तफसील से है और इनको उकसाने वालों में दो का नाम आता है अब्दुलरहान इबन अबू बकर का और साथ में जनाब हफ्सा का कि उन्होंने उकसाया और कहा कि जाके इनके साथियों को भी मार दो तो ये मौजू जो है वो यहाँ से शुरू हुआ पेज नंबर 93 से अब 94 पर यहाँ पर बताते चलें फिर उबैदल इबन उमर ने अपनी तलवार को लहराते हुए निकले वो हर्मोज़ान के पास आए और बोले तुम मेरे साथ चलो ताकि हम एक घोड़े का जायज़ा लें अब ये हुरमज़ान कौन है ये भी एक मुसलमान है और एक ईरानी है अब उस जमाने में अजब और ईरान का एक बड़ा तसब चलता था लिहाजा इन लोगों के साथ आम तौर पर जो है एक सख्त बर की जाती थी अब ये घोड़ों का माहिर था इसको ये ले कर चले हरमज़ान घोड़े के मामले में बड़ी महारत रखता था वो इनके आगे चलते हुए गए फिर उबैदुल्ला ने इस पर तलवार से वार किया जब इसे तलवार की आहट महसूस हुई तो उसने ला ला लाला पढ़ लिया लेकिन इसके बावजूद उबैदल अबिन उमर ने उसे कत्ल कर दिया फिर वो जुफैना के पास आए वो एक ईसाई शख्स थे उन्होंने इसे पुकारा जब वो इनके सामने आया तो उन्होंने इस पर तलवार का वार किया और उन्होंने दोनों आँखों के दरमियान हमला किया फिर वो अबू लोलो की बेटी के पास आए जो एक कम से लड़की थी और ख़ुद को मुसलमान ज़ाहिर करती थी उन्होंने इसे भी कत्ल कर डाला तो दो अलग मुसलमानों को कत्ल किया जिनमें से एक पहले ईसाई था और मदीने में बिलाखिर मुसलमानों की तरह से रह रहा था एक मजूसी था यानी जुफैना और वो मुसलमान था और जब वार हुआ उसने ला ला लाला कहा लेकिन जो सबसे बुरा काम हुआ वो ये कि अबू लोलो की जो बेटी थी जिनका नाम था लोलो लो और वो तकरीबन सात आठ साल की बच्ची थी और बादशाह का बयान हुआ ये तफसील से बयान हुआ कि वो मुसलमान थी और बादशाह का बयान हुआ वो नमाज़ पढ़ती थी कुरान पढ़ती थी लेकिन इसे भी कत्ल किया और क्योंकि ये लोग मुसलमान थे तो जनाब उस्मान ने खलीफा बनने के बाद इनकी दियत भी दी अब यहाँ पर क्या मामला है वो ये कह रहे थे अल्लाह की कसम अब मैं मदीना मनवरा में मौजूद हर कैदी को अब यहाँ पर कह दिया गैर मुस्लिम जबकि मदीने में गैर मुस्लिम नहीं थे हर कैदी से क्या मुराद कि जो लोग असीरी की जिंदगी गुजार रहे थे कत्ल कर दूंगा उन्होंने इशारे के तौर पर कुछ महाजरीन का जिक्र किया कि इनके कैदियों को भी कत्ल कर दूंगा तो महाजरीन ने इन्हें यह मशवरा दिया कि ऐसे कत्ल कर दो अब यहाँ पर क्या हुआ कि जब उबैदल इबन उमर ने कई लोगों को कत्ल किया तो जब खलीफे सिबुम खलीफ़े बने तो यहाँ पर यह उठा कि अब क्या किया जाए तो अक्सर लोगों ने कहा कि उबैदल एब ने उमर ने क्योंकि मुसलमानों को कत्ल किया है खसूसा एक मासूम बच्ची को कत्ल किया है तो अब इसको भी सज़ा के तौर पर कत्ल कर दिया जाए मौला अबिरम्न का भी यही मशवरा था लेकिन कुछ लोगों ने टोका और टोकने की वजह ये थी कि, कि कल तक बाप मारा गया है आज बेटा मारा जाए ये मुनासिब नहीं है और यही मशवरा ख़लीफ़ सिबम को अच्छा लगा उनकी भी यही राय थी और नतीजा ये हुआ कि उन्होंने कहा कि मैं दियत अदा कर दूंगा यानी बैतुलमाल से दियत अदा कर दी गई और बैतलम से दियत अदा की जाए या वो ख़ुद अपने पास से दियत अदा करें इसके माना ये हैं कि उनके नज़दीक और मदीने वालों ने जब क़िसास तलब किया और खसूस मौला अमीरुल मोमिनीन अमराम ने जब क़िसास तलब किया तो इसके माना ये हैं कि वो इन तीनों को मुसलमान ही समझते थे और उबैदुल्लाह इब्ने उमर को कातिल समझते थे और ज़ालिम समझते थे और मस्तक समझते थे कि उसको भी कत्ल के जुर्म में कत्ल किया जाए और हज़रत उस्मान ने इन दोनों अफराद और इस लड़की की दियत अदा की जोहरी ने यह बयान किया है कि हमज़ा बिन अब्दुल्ला बिन उमर ने यह बात कही कि अल्लाह तला सैदा हफ्सा पर रहम करे उन्होंने उबैदल इबन उमर को इस बात की तरगीब दी कि वह हरमोजान और जुफ़ाइना को कत्ल करें यानी जनाब हफ्सा जो जनाब उमर की बेटी थीं उन्होंने अपने इस भाई को उकसाया कि जाओ उन दो ईरानियों को भी मार दो अब्दुल्ला इब्ने सालबा व शायद इब्ने खलीफा खुजाई ने यह बात की मैंने हुरमुजान को हज़रत उमर के पीछे नमाज अज़ा करते हुए रफ़े यदैन करते हुए देखा है यानी या यहां पे बात हो रही है कि वो बाकायदा नमाज भी पढ़ता था मामर ये बात नकल करते हैं कि जोहरी के अलावा रावियों ने यह बात नकल की कि हजरत उस्मान ने कहा कि मैं हरमोजान जुफ़ैना और इस लड़की यानि लोलो अबू लोलो लो की जो कुत थी वो इस बेटी की वजह से थी और इस लड़की का वली हूँ और मैं इनकी दियत अदा करता हूँ वली किस माना में यानी मैं मैंत हाकिम हूँ और मैं अपने पास से दियत अदा करूंगा अब यहां पर भी आप देखें कि बैतुल माल से क्यों दियत दी जा रही है जबकि एक आदमी कातिल है उससे या कहसास लिया जाए या उससे उसका माल लिया जाए अब आपके सामने है तारीख़ तबरी जल्द नंबर तीन और यहां पर भी खलीफे दबूम की शहादत का जिक्र है और वही वाला मौजू है ए आमिरमीन आप मुगैर बिन शोबा से मेरी सिफारिश कर दें क्योंकि मुझ पर बहुत बड़ा खराज लगाया हुआ है आपने पूछा कितना खराज है वो बोला रोज़ाना दो दरहम आपने पूछा तुम्हारा क्या पेशा है पूरी ये वाली गुफ्तु है बाद में चक्की वाला मौजू आया अब यहाँ पर मौजू है काब की कि जो खुद एक यहूदी रहबाए है वो बता रहा है कि आप दो तीन दिन में मारे जाएंगे और ये तौरात में लिखा है इतनी बात वाजह है कि ऐसा तो कोई मौजू तौरात में लिखा नहीं है तो यहाँ से पता चलता है कि अपने ही कुछ लोग शामिल थे इसमें यहाँ पर मौजूद है कि इब्ने उमर की तलबी फिर हजरत उस्मान मजिद नबवी के गोशे में बैठ गए और वहां इब्ने उमर को बुलवाया वह हजरत अभी वकास के घर में मुकैत था यानी कैद कर दिया गया था क्योंकि जब उबैदल इब्ने उमर ने अपने वालिद का इंतकाम लेने के लिए जुफैना और, और बिनते अबी लोलो यानी अब लोलो की बेटी को मार डाला तो हजरत साद रजी अल्लाह ने इनके हाथ से तलवार छीन ली वरना वो वोैैदल्ला से ये कह रहे थे बेखुदा मैं इन सब अफराद को कत्ल कर दूँगा जो मेरे वालिद के खून में शरीक थे इनका इशारा बाज़ महाजरीन व अंसार की जानब भी था तो यहाँ से पता चला कि बाज़ महाजर और अंसार यानी खुद अहब और मुसलमान शामिल थे जनाब उमर के कत्ल में बक़ौल अब उबैदल इबन उम्र के कि वो ये कह रहा है कि बाज महाजर और अंसार को भी मैं कत्ल करूँगा। घर में, में मुकैद हजरत साद ने इनके हाथ से तलवार छीन ली और इनके बाल पकड़कर इन्हें जमीन पर गिरा दिया और इसके बाद इन्हें अपने घर में बंद कर दिया वो वहाँ मुकैद रहे यहाँ तक कि हजरत उस्मान ने बैत खिलाफत के बाद इन्हें रिहा कर दिया और अपने पास बुलवाया और बुलवाने के बाद क्या हुआ उबैदुल्ल के बारे में मशवरा हज़रत उस्मान ने महाजरीन व अनसार की एक जमात से फरमाया तुम मुझे इस शख्स के बारे में मशवरा दो जिसने इस्लाम में इन अशखास को कत्ल करके रखना डाल दिया यानी इस्लाम में एक रखना डाला बकौल खलीफे सेवम के इन अफराद को कत्ल करके यानी ये अफराद काफिर नहीं थे मुसलमान थे खूस अबू की बेटी कि जिनका नाम था लोलो हज़रत अली ने फरमाया मेरी राय यह है कि आप इसे कत्ल कर दें महाजरीन में से किसी ने कहा कल हजरत हज़रतमर रज़ी शहीद किए गए और आज इनके फ़र्जंद को कत्ल कर दिया जा रहा है और यह मशवरा किसका था अमर आस का और यहाँ से उसने खलीफे सेबुम की राय को बदला और बदलने के बाद क्या हुआ तो यहाँ पर वो कहते हैं यानि जनाब स्स्मान मैं मुसलमानों का बली हूँ मैंने इस कत्ल के लिए दियत मुकर की है जिससे मैं अपने माल से अदा करूँगा कि बिल आखिर असल मौजू यह है कि वो मुसलमान थे और उसके बाद अब 273 में भी यही मौजू है कि जब रमज़ान को मारा तो वो ला ला पढ़ रहा था मेरा तो ज़मान फ़ी आयान में भी यही मौजू है कि किबैदल्ला इबन उमर गया और जाने के बाद अबू लोलो की एक कम सन बेटी को कत्ल कर दिया जो इस्लाम का दावा करती थी यानी मुसलमान थी अब उनसाब अशराफ़ जल्द नंबर सात में भी यही मौजू है कि किबैदुल्लाबन उमर ने अबू लोलो की बेटी की जो बहुत कमसिन थी और क्या थी तद्द अस्लाम वो इस्लाम पर थी और इस्लाम का दावा करती थी शरह आसार मानीसार्द नंबर तीन और सफ़ा नंबर वन नाइनटी फोर में भी यही मौजू है कि अबू लोलो की बेटी जो एक कमसिन थी और क्या थी वो इस्लाम का दावा करती थी अब आपके सामने किताब तारीख़ इस्लाम और जल नंबर तीन और यहाँ से ये यह मौजू आता है कि जब कत्ल कर दिया हरमोजान को और जुफ़ना को और अबू लोलो की बेटी के जिसका नाम था लोलो -लो। तो जब ये वाला मामला हुआ और फ़ल्मा बोया स्स्मान हम बेकल ही कि जब जनाब उस्मान की बैत हो गई तो पहले तो उन्होंने इसके कत्ल का इरादा किया सु अफ़ा अन हो फिर बाद में माफ़ कर दिया वक्यान कद अशर अली अलास्मान बेकल ही कि मौ अमिरमीन जो है वो कहते थे जनाब उस्मान से कि इसे कत्ल कर दिया जाए फ़ोल्मा वो या जब बैत की गई मौलामिरमीन की तो क्या हुआ जहाबा उबैदल हॉर अब मिनहू अला शाम तो फिर उबैदाल भाग के शाम चला गया और ये अब्दुल्ला अब्न उमर फिर माविया के पास रहा यहाँ तक के ये जंग में मौलामौमिन के मुकाबले में आया और सिफीन में मारा गया वो युक़ कैतलामारबन यासर वकीला रजुल हमदान कि कहा जाता है कि यासर ने या हमदान के किसी एक फ़र्द ने क़त्ल किया और इसी किताब में एक मौजू आता है और वो ये है कि इसकी माँ का नाम था उम अल अलवाइया तो जनाब उमर की कई बीवियाँ थीं कि जिनके नाम थे उम कुलसूम और ये जो कन्फ्यूजन है उसका एक सबब ये भी है और यहाँ से ये मौजू दोबारा आगे डिस्कस करते हैं कि जो इसी के बिल्कुल नीचे बयान हुआ है के बाद में ये भागा मा... माविया के पास और उसके बाद सफ़ीन में मारा गया तोहफत तो लतीीफ़िया फ़ी तारीख़ मदीनात शरीफ़ा ज़ुल नंबर दो में यही वाला मौजू है कि इसकी माँ का नाम उम्मूम था और जो बेटी थी हारसा बिन तहबल्खज़ाई की कि इसने कत्ल किया को और बाद में ये भाग के माविया के पास चला गया अब आपके सामने किताब है अलखल्फ़ाशिदूँ मिन तारीख़लाम हाफिज़ अलम्रख मोहम्मद बिन अहमद बिन स्स्मान अज़हबी की और यहाँ पर भी यही मौजू है कि अबू लोलो की बेटी को उबैदुल्लाह इब्ने उमर ने क़त्ल किया और बाद में माविया के पास ये शाम भाग गया और उसके बाद मौला मीरमिन के मुकाबले में आया और सिफ़ीन में मारा गया और यहाँ से ये बात वाज़े हो गई कि अबू उलोलो को मदीने ही में कत्ल कर दिया था या ख़ुदकुशी कर ली थी और साथ में चंद और मुसलमानों को मारा था और अबूलोलू की बेटी मुसलमान थी उसे भी कत्ल कर दिया गया था अब जब वहाँ कत्ल किया है तो इनकी कब्र भी वहाँ होनी चाहिए ईरान में जो कब्र है वो किसी और बाबा शजाउद्दीन की या अबूलोलो की है और इस कब्र से कोई ताल्लुक़ नहीं है लिहाजा ये जो इशू बनाया जा रहा है कि शीयों ने कब्र को महफूज रखा हुआ है और उसमें गुम्बद है और रोज़ा बनाया हुआ है तो वो किसी एक दरवेश की है खुदावंदबारफ़ा तबा तला से दुआ है के तमाम मजाहब और अदियान को सोचने समझने और इंसानियत की खिदमत की तोफ़ी ख़त फरमाएँ व सल्हमद ताहिर